कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि जस्ट एज और जस्ट बिकॉज क्या है। आप कहते हैं कि जस्ट एज और जस्ट बिकॉज को लेकर अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है, तो आइए उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले सीखें कि जस्ट एज क्या है। जस्ट एज का मतलब होता है जिस प्रकार या के जैसा ही, यानी जस्ट एज का यूज हम इक्वल टू या सिमिलर टू के जगह पर करते हैं। कैसे करते हैं आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको ये बात आसानी से समझ में आ सके। जैसे अगर आपको कहना है कि विश्वासघात करना यानी धोखा देना खून करने के जैसा ही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टू बेटर इज जस्ट एज किलिंग, यानी धोखा देना जान लेने के जैसा ही है या जान लेने के बराबर है। अगर आप चाहें तो जस्ट एज की जगह पर इक्वल टू या सिमिलर टू का भी इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। टू बेटर इज इक्वल टू किलिंग या टू बेटर इज सिमिलर टू किलिंग, यानी विश्वासघात करना या धोखा देना जान लेने के बराबर है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको कहना हो जैसे आप माफी की उम्मीद रखते हैं, उसी तरीके से आपको दूसरों को माफ कर देना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे जस्ट एज यू होप टू बी फॉरगिवन, यानी जिस तरीके से आप माफी की उम्मीद रखते हैं या माफ किए जाने की आशा रखते हैं, वैसे आपको दूसरों को माफ कर देना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन द सेम वे यू शुड फॉरगिव अदर्स। यहाँ मैंने बोला इन द सेम वे, जिसका मतलब होता है उसी तरीके से। तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे होगा जस्ट एज यू होप टू बी फॉरगिवन इन द सेम वे यू शुड फॉरगिव अदर्स, यानी जिस तरीके से आप माफी की उम्मीद रखते हैं उसी तरीके से आपको दूसरों को माफ कर देना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने दूसरे वाले सेंटेंस में बोला इन द सेम वे। अगर आप चाहें तो इन द सेम वे की जगह पर सिर्फ सो का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। यानी आप यहाँ पर कह सकते थे सो यू शुड फॉरगिव अदर्स, यानी उसी तरीके से आपको दूसरों को माफ कर देना चाहिए। अगर आपको कहना हो यह चैनल दूसरे चैनल के जैसा ही फायदेमंद है या उपयोगी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस चैनल इज गुड जस्ट एज अदर्स, यानी दूसरे चैनल के जैसे ये चैनल उपयोगी है या फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया कि जस्ट एज क्या है। आइए अब सीखें कि जस्ट बिकॉज क्या है। जस्ट बिकॉज का मतलब होता है बस इसलिए कि। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो बस इसलिए कि वह गरीब है तुम उसे बेइज्जत नहीं कर सकते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे जस्ट बिकॉज ही इज पुअर यू कांट इंसल्ट हिम, यानी बस इसलिए कि वह गरीब है तुम उसे बेइज्जत नहीं कर सकते हो या तुम उसका इंसल्ट नहीं कर सकते हो। बस इसलिए कि उसे इंग्लिश नहीं आती है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे कुछ आता जाता नहीं है या वह किसी काम का नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे जस्ट बिकॉज ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश इट डजंट मीन ही इज गुड फॉर नथिंग, यानी बस इसलिए कि उसे इंग्लिश नहीं आती है इसका ये मतलब नहीं कि वह किसी काम का नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जस्ट बिकॉज का मतलब समझ में आया कि जस्ट बिकॉज का मतलब होता है बस इसलिए कि। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा जस्ट एज और जस्ट बिकॉज। हो सकता है कि आप जस्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हो, यानी आपको नहीं पता है कि जस्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप आई के सिंबल में पा सकते हैं। तो अगर आप जस्ट को लेकर कंफ्यूज है तो वो वीडियो जरूर देखें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।